सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक और न्यू पोएम, और उस पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। और इस पोएम के अंदर जो मिस्टर किने हैं, जो हमारे पोएट हैं, ठीक है, वो हमारे को बताते हैं कि किस तरीके से जो रेन है वो हमारे को मजबूर कर देती है अपनी पास की कुछ मेमोरीज़ को याद करने के लिए। तो यहाँ पे पोएट हमारे को क्या बताता है, तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले नाइन्थ क्लास इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट सिलेबस की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, उसका लिंक आप उसको चेक ज़रूर कर लें। और दूसरी चीज़, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, तो आप हमारे को मैसेज करें और आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो स्टैंजास जो है वो अपीयर होंगे आपके सामने और आप रिलेट कर सकते हैं पूरी की पूरी पोयम को, एंड आई एम गोइंग टू एनालाइज सेम फॉर यू। तो गाइस, सबसे पहले लाइन है हमारी, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर। ह्यूमिड शैडोज का मतलब यहाँ पे क्लाउड्स की बात की जा रही है, कि जो क्लाउड्स हैं जब वो कवर कर लेते हैं, जब वो होवर होते हैं, जब वो कवर कर लेते हैं स्टारी स्फेयर्स को। स्टारी स्फेयर मतलब एक ऐसा आसमान जब स्टार्स ही स्टार्स होते हैं, तो क्लाउड्स जो है वो उसको कवर कर लेते हैं। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, यहाँ पे डार्कनेस को मेलनकॉली बोला गया है, क्योंकि मेलनकॉली का मतलब होता है सैड। तो डार्कनेस जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करती है। तो जब जो क्लाउड्स हैं वो स्टार्स को कवर कर लेते हैं और चारों तरफ डार्कनेस होती है, तो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो यहाँ पे रेनी टीयर्स जो हैं उनको बोला गया है जैसे मानो कोई रो रहा हो। वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। लेकिन उसी जगह पे अगर हम देखें तो कॉन्ट्रास्ट के अंदर उस टाइम पे जो पोएट है वो बताता है कि उसको अपने पिलो को प्रेस करके जो सोना है वो एक ब्लिस लगता है, एक ब्लेसिंग लगती है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, मतलब एक कॉटेज चैम्बर बेड के अंदर पिलो को प्रेस करके सोना एक ब्लेस लगता है, उसे ब्लेसिंग लगती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर जो है वो साउंड है रेन का, जो शिंगल्स पे ऊपर जो सरफेस है घर का कॉटेज का, उस पर जो बूंदे पड़ रही है उसका जो साउंड है वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और वो सुनता है उसको। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, मतलब ऊपर की तरफ जो सॉफ्ट रेन की आवाज़ आ रही है वो उसको सुनता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, टिंकल वो सॉफ्ट रिंगिंग साउंड होता है जो शिंगल पे आता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। हैज एन एको इन द हार्ट, उसके हार्ट में एक जैसे मानो एक गूंज निकलती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, तो होता क्या है कि रेन के आने से उसके माइंड में थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में डेवलप होने लग जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग उसका माइंड है, उसमें काफ़ी थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज जो है, इमेजिनेशन जो है वो वीव होने लग जाती हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और थाउजेंड मेमोरीज भी होती है उसके अंदर, उन मेमोरीज में से एक मेमोरी उसकी मदर की भी होती है, उसके बचपन की, या जब उसकी मदर जिंदा थी, क्योंकि आज उसकी मदर जिंदा नहीं है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इन टू वूफ, तो यहाँ पे वूफ जो है वो एक तरीके से लूम के जो थ्रेड्स होते हैं उनको बोला गया है, जिससे हम धागा बनाते हैं या कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो एयर थ्रेड्स इन टू वूफ में अगर मैं एयर थ्रेड की बात करूँ तो वो मेमोरीज हो सकती हैं, वूफ उसका माइंड हो सकता है, जहाँ पे काफ़ी सारी मेमोरीज जो हैं वो साथ में आके अटैच हो जाती हैं जब वो सुनता है उस पैटर को, उस आवाज़ को, रेन के साउंड को। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो रूफ पे आ रहा है। एंड नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, और उसकी मेमोरी में एक मेमोरी जो होती है वो उसकी मदर की भी होती है, इतनी सारी मेमोरीज में एक मेमोरी उसकी मदर की भी होती है। एज शी यूज इन द ईयर्स अगॉन, और उस मेमोरी में वो सोचता है कि कैसे उसकी मदर जो थी वो जब बारिश हुआ करती थी और वो सो रहा होता था उसके पास आके उसको देखती थी, उनका जो फॉन्ड लुक है, उनका प्यार से जो देखना है, वो आज भी उसे काफ़ी ज़्यादा खुश कर देता है, उसको सोच के उसे खुशी होने लगती है। बिफोर शी लेफ्ट, ये ERE का मतलब है, बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और कई बार वो छोड़ देती थी पोएट, मतलब जो राइटर है उसको वो छोड़ देती थी, जो पोएट है वो उसको छोड़ देती थी, या फिर कोई भी पर्सन उसको छोड़ देती थी जब तक कि वो पूरी नींद नहीं ले लेता है। और एक फॉन्ड मतलब एक डार्लिंग लुक था, एक डार्लिंग ड्रीमर से, यहाँ पे वो अच्छा मीठा सपना है जो वो देखता है अपनी मदर का, तो वो पोएट को छोड़ देती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन रिपीटेड साउंड है यहाँ पे, जो रिपीटेड लाइंस चल रही है, जो म्यूजिक चल रहा है रेन का, उसको रिफ्रेन बोला गया है। तो जब वो सुनते रहता है उस चीज़ को, तो उस टाइम पे उसके माइंड में सारे थॉट्स आते हैं, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल। तो ये रिफ्रेन जो है वो शिंगल के ऊपर रिपीट हो रही है, शिंगल वो सरफेस है ऊपर कॉटेज का, बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो रेन की जो आवाज़ है उससे ये सब कुछ हो रहा है। तो गाइज, आई होप आपको पूरा का पूरा पोएम का एनालिसिस समझ में आया होगा, आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। इस पोएम के अंदर जो पोएट है उसने अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस को यहाँ पे हमारे से रिलेट किया है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पे क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं गाइस, ह्यूमिड शैडोज क्या है ये पता होना चाहिए, मेलनकोली कुछ मीनिंग्स यहां पे आपको पता होना चाहिए, लाइंस का रेफरेंस पता होना चाहिए, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, इस पर कमेंट जरूर करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करो।